दोस्तों, मूवी एक्सप्लेन की इस सीरीज में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रणवीर कपूर की न्यू मूवी एनिमल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की इस शुरुआत में कहानी के लीड कैरेक्टर रणविजय और उसकी दो बहनों को दिखाया जाता है जो स्कूल से छुट्टी लेकर घर जल्दी आने के लिए टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आज इन तीनों के पिताजी यानी बलबीर सिंह का बर्थडे होता है, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और स्वास्तिक नाम की एक स्टील कंपनी के मालिक हैं। बलबीर सिंह उनके बर्थडे वाले दिन भी किसी बिजनेस मीटिंग के कारण बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए रात को जब वो घर लेट लौटते हैं तो बलबीर सिंह की पत्नी झूठी उनसे कहती हैं कि आपका बेटा सुबह से आपकी राह देख रहा था, लेकिन आप बहुत लेट आए। इसीलिए बलबीर सिंह अपने बेटे रणविजय के पास जाते हैं और वहां वो अपने बेटे के हाथ में एक चिट्ठी देखते हैं जिसमें लिखा था कि पापा, अगले जन्म में आप मेरे बेटे बनिएगा और मैं आपका पिता बनूंगा, तब देखना कि मैं आपको कितना प्यार करूंगा। इसके बाद कहानी 25 साल आगे चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं अब रणविजय बड़ा हो चुका है, जो आज उसके दोस्त की बहन गीतांजलि की सगाई में आया हुआ है। ये वही गीतांजलि है जो उसके बचपन में उसके साथ पढ़ती थी, लेकिन स्कूल में अपनी बहन रीत को उसके क्लासमेट छेड़ रहे थे, जिसके कारण रणविजय उन लड़कों से बदला लेने के लिए बंदूक लेकर स्कूल पहुंच गया और बहुत मारपीट की, जिसके कारण रणविजय को अमेरिका भेज दिया गया था। इसलिए रणविजय अपने बचपन की क्लासमेट गीतांजलि को ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर गीतांजलि को ये रियलाइज होता है कि उसे ये सगाई तोड़कर कर रणविजय से शादी कर लेना चाहिए। इसके अगले दिन ही रणविजय के पिताजी बलबीर सिंह का अगेन 60वां बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, जिसमें परिवार के सभी लोग एक साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई देते हैं। बलबीर की बर्थडे पार्टी में कई सारे बिजनेसमैन लोग आए हुए होते हैं, जिनको देखकर रणविजय के जीजा जी रणविजय से कहता है कि पार्टी में बहुत लोग आए हुए हैं, तुम्हें उन सबसे एक बार मिल लेना चाहिए। लेकिन रणविजय कहता है कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, जिसके कारण साले और जीजू में लड़ाई होने लगती है, जिसको रोकने के लिए रीत वहां पर पहुंच जाती है, जो रणविजय से कहती है कि अपने जीजा जी से सॉरी मांगो। लेकिन रणविजय अपने जीजा जी मतलब वरुण से माफी नहीं मांगता है, जिससे ये बात रणविजय के पिता बलबीर सिंह के पास पहुंच जाती है और बात बहुत बड़ी हो जाती है। इसी बीच वहां पर गीतांजलि आ जाती है। पिछले दिन ही रणविजय ने सगाई तोड़कर उससे शादी करने के लिए मनाया था। रणविजय गीतांजलि को अपने पापा से मिलवाना चाहता था, लेकिन बलबीर सिंह वापस किसी मीटिंग में बिजी हो जाते हैं, इसलिए वो इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं। इसके अगले सीन में गीतांजलि और रणविजय वहां से गुस्सा होकर अपने एक प्राइवेट जेट से अमेरिका के लिए चले जाता है। रास्ते में दोनों कपल रोमांस वगैरह करके हिमाचल में शादी करके अमेरिका के लिए निकल लेते हैं। अब यहाँ पर कहानी हमें डायरेक्ट 8 साल बाद की कहानी दिखाई देती है, जिसमें रणविजय गुस्से से भरा हुआ एक एनिमल बन चुका हुआ होता है, जो अपने कई बॉडीगार्ड लोगों के साथ सीधे एक कंपनी में घुसकर अपने ही जीजा जी यानी वरुण को जान से मार देता है। दरअसल रणविजय के पिता बलबीर सिंह को असरार उल्लक द्वारा कई बार मारने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए बलबीर सिंह ने अपनी सेफ्टी के लिए एक हमशक्ल बना लिया था। दरअसल असरार उल्लक एक बहुत बड़ा मल्टीनेशनल बिजनेसमैन है, जिसका मैन उद्देश्य बलबीर सिंह को मारकर उसकी स्वास्तिक कंपनी को अपने अंडर करना था, जिसके इस काम में रणविजय का जीजा असरार उल्लक का साथ दे रहा था। वरुण की इस मौत को असरार उल्लक अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। वो कुछ बड़ा प्लान बना रहा था,